हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती सचिन सर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास टेंथ में प्रश्नावली 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, गुणनखंड विशेष समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, तब पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ गुणनखंड विशेष समीकरण के मूल ज्ञात करना है, अर्थात हमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इन क्वेश्चंस के क्या निकालने हैं, गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड निकालने से x की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसा समझे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अपनी बुक में देखें, एनसीईआरटी की बुक है, 10 = 0। तो देखिए, हमें क्या करना है कि इनका और इनका क्या करना, पहले मल्टीप्लाई कराना है। तो यहां पर अचर पद जब कुछ नहीं होता तो यहां पर क्या होता है, 1। तो 10 की गुणा 1 के साथ होगी तो कितना हो जाएगा, 10 × 1 = 10। अब इसके हमें क्या करना है, गुणनखंड यानी तोड़ना है इसके, 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5। तो ये आ गया 2 और 5। अब हमें देखना, हमें तोड़ना है 3x को, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को तोड़ेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर लास्ट में यहां पर जो माइनस दिया हुआ है, माइनस 10 है, 10 दिया, यहां पर जो चिन्ह होगा उसी के काटे हम गुणनखंड को तोड़ेंगे। जैसे यहां पर दिया है माइनस का, जब माइनस का दिया तो यहां पर तोड़ेंगे तो माइनस करके अंदर जो भी तोड़ेंगे मान तुम्हारा कैसे होना चाहिए, माइनस के मान होने चाहिए, और जो यहां पर दिया होगा अगर प्लस दिया होता तो यहां पर जोड़ने पर हम कर पाते गुणनखंड। तो माइनस दिया तो हम देखो 5 से अगर 2 घटा देंगे 3 बचेगा, और 5 और 2 की गुणा करेंगे तुम्हारा कितना जाएगा, 10 भी आ जाएगा। तो लिखेंगे 5 - 2 और x लिखा, x हमारा बाहर हो जाएगा, -10 = 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस, इधर से चिन्ह की उड़ा, इधर चर पद की उड़ा, तो माइनस का 5 और x कितना हो जाएगा, 5x, माइनस माइनस प्लस 2x, -10 = कितना हो जाएगा, 0। तो एक्स स्क्वायर, अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या मिलेगा, इसमें और इसमें कॉमन क्या, इसमें कॉमन मिल जाएगा एक्स, तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा, 5, इधर कितना कॉमन मिलेगा, 2, तो आ जाएगा x माइनस के 2 × 5 = 10 = 0। इस प्रकार से x माइनस 5 हो जाएगा, ब्रैकेट लिखेंगे, और x प्लस 2 एक ब्रैकेट लिखेंगे, = 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो x माइनस 5 = कितना हो जाएगा, 0, और x प्लस 2 = कितना हो जाएगा, 0। तो इधर देखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, 5 से दूसरे पर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, और ये एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे आता गुणनखंड के मूल या समीकरण के मूल क्या हो जाता, मूल, मूल कौन कौन से हो जाएंगे, 5 और -2 होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट क्वेश्चन लग गया है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आप स्क्रीन शॉट लेंगे आराम से कर लेंगे। सेकेंड नंबर इसी तरीके सेकेंड नंबर भी है, तो सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर है 2x² + x - 6 = 0। तो देखो यहां पर हमें क्या करना है, इनकी इनकी गुणा करके इसको तोड़ना है, माइनस लगा तो माइनस करके ही टूटेगा। अब ध्यान रखेंगे यहां पर हमें गुणा इसको इस तरीके तोड़ना है कि गुणा करने पर इन दोनों का गुणनफल आ जाए और जोड़ने घटाने पर x आना चाहिए। तो देखिए 6 × 2 = 12 के गुणनखंड, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3x³ = 3। तो अब आ जाएगा 2x² + अब देखो यहां पर 2 × 4 = 4 और यहां पर क्या है 3, तो 4 से माइनस लगा तो 4 - 3 होगा, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, और 4 और 3 की गुणा करेंगे तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 12, और 12 में लाना भी था, तो आ जाएगा 4 - 3, इधर क्या हो जाएगा, x - 6 = 0। तो आ जाएगा 2x² + 4 और इस गुणा कितनी हो जाएगी, 4x ± -3 और इस गुणा 3x - 6 = 0। अब इसमें से कॉमन क्या मिलेगा, इसमें से कॉमन, इसमें कॉमन मिल जाएगा 2x, तो यहां पर क्या बचेगा, केवल x प्लस 2 × 4, यहां पर कॉमन क्या मिलेगा, 3, तो यहां 3 कॉमन मिलेगा तो x होगा, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो हमारे पास जाएगा प्लस 3 × 6 = 0, तो आ जाएगा x प्लस 2 और आ जाएगा 2x - 3 = 0। एक बार इसको 0 बराबर कर लेंगे, एक बार इसको 0 बराबर करेंगे, तो क्या जाएगा, x प्लस 2 = 0,
दो एक्स माइनस तीन बराबर जीरो, तो दो एक्स बराबर निकाले माइनस का तीन उधर जाएगा तो प्लस का तीन हो जाएगा, और एक्स बराबर निकाले तीन बटे कितना हो जाएगा दो। अब यहां पर देखेंगे एक्स बराबर कितना दो उधर जाएगा तो माइनस का दो हो जाएगा, तो आता मूल कौन कौन से हो जाएंगे, आता मूल कौन से हो जाएंगे माइनस का दो और तीन बटे दो होंगे। हमेशा ध्यान रखना कोई समीकरण अगर दिए उसको सॉल्व करें तो उसके दो ही मूल होते हैं, चार नहीं होंगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन नंबर तीन, इसी का पार्ट थर्ड, पार्ट थर्ड दिया गया है रूट दो, दो एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस पांच रूट दो बराबर जीरो। तो देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं, केवल क्वेश्चन डिफिकल्ट लिखा हुआ, इसका सोल्यूशन बहुत ही इजी है। तो चलिए देखते हैं इसमें करना क्या है, हमें क्या करना होता था, एक्स स्क्वायर के गुणांक का अचर पद और एक अचर पद, ये इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी होती, तो हम लिखेंगे पांच रूट दो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा रूट दो। तो सभी लोग जानते हैं पांच रूट दो और रूट दो की गुणा कितनी होती है दो, जब दो समान अचर पद रूट में लिखे होते हैं तो उनका मान सदैव क्या होता है, उसका रूट से बाहर एक मान उसका लिख दिया जाता है। तो पांच और दो की गुणा करें कितना जाए दस, अब दस के हम गुणनखंड करेंगे दो पंचे दस, पांच एक कम पांच, तो हमें करना क्या है, हमें सात को तोड़ना है, तो यहां पर प्लस लिखा तो भैया प्लस करके ही हमारा लगेगा, पांच और दो कितने होते हैं सात और पांच दो की गुणा करेंगे तो कितना जाएगा दस। तो देखिए रूट दो एक्स स्क्वायर प्लस पांच प्लस दो एक्स प्लस पांच रूट दो बराबर जीरो, तो यहां पर आ जाएगा। अब देखो इसमें से कॉमन में भी नहीं ले रहे तोड़ना भी ले, एक्स स्क्वायर आगे कोलिंग ब्रैकेट तो पांच और एक्स कितना हो जाएगा पांच एक्स प्लस दो एक्स प्लस पांच रूट दो बराबर जीरो। अब इसमें से हमें कॉमन लेना और इसमें से हमें कॉमन लेना, तो इसमें से कॉमन क्या मिल जाएगा एक्स का मिल जाएगा, क्या मिलेगा एक्स का मिलेगा, तो यहां पर लिखेंगे रूट दो एक्स प्लस क्या बचेगा पांच। अब इसमें से हम कॉमन क्या लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे रूट दो, तो यहां पर बचेगा क्या रूट दो, या ऐसा कर लेते हैं अभी देखो थोड़ा और सरल हो जाए। आपने देखा होगा जैसे रूट दो गुणे रूट दो लिखा हुआ है तो इसका मान दो होता है, रूट तीन गुणे रूट तीन लिखा होता है तो उसका मान सदैव कितना होता है तीन होता है, इसीलिए जो भी मान होंगे तुम्हारे उसकी वैल्यू निकल आती। अगर कहीं पर बाई चांस देने से इसकी बात हम करें, अगर दो लिखा हो और हमें आवश्यकता हो रूट कॉमन लेने की, तो हम भाई दो को क्या लिख सकते हैं रूट दो गुणे रूट दो भी तो लिख सकते हैं भाई, रूट दो गुणे रूट दो कितना होता है दो, तो दो लिखा होगा तो आप रूट दो गुणे रूट दो भी तो लिख सकते हैं। तो यहां पर हम उसी तरीके लिखे रूट दो लिखा है क्योंकि हमें क्या लेना है रूट दो लाना है अंदर, तो हम यहां पर क्या रूट दो एंड दो को तोड़ेंगे तो रूट दो गुणे रूट दो एक्स प्लस क्या हो जाए पांच रूट दो। अब इसी से कॉमन लेंगे हम तो आ जाएगा यहां पर देखेंगे एक्स ब्रैकेट में क्या जाएगा रूट दो एक्स प्लस पांच, यहां से कॉमन लेंगे रूट दो, तो प्लस का रूट दो जब कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा क्या अंदर ब्रैकेट में रूट दो एक्स बच जाएगा, ये बाहर आ जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा प्लस पांच रूट पांच हो जाएगा, क्योंकि रूट तो बाहर चला गया बराबर में क्या हो जाएगा जीरो, बराबर में क्या हो गया जीरो। अब ये सजातीय पद है जैसे इनको एक ब्रैकेट में रूट दो एक्स प्लस पांच और इधर क्या आ जाएगा एक्स प्लस रूट दो बराबर जीरो, तो यहां पर निकालेंगे रूट दो एक्स प्लस पांच बराबर जीरो, एक्स प्लस रूट दो बराबर जीरो, तो यहां पर देखेंगे रूट दो एक्स माइनस कितना हो जाए पांच और एक्स बराबर निकालेंगे गुणे में दूसरे पद का चला जाएगा डिवाइड में, यहां पर भी सेम वैसे करना है एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस का रूट दो, तो लिखेंगे आता मूल कौन कौन से हो जाएंगे माइनस पांच बटे रूट दो और माइनस रूट दो होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर तीसरा भी हो गया। चलिए क्वेश्चन का अगला देखते हैं, इसका स्क्रीन शॉट आप ले लेंगे आसानी से हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे। जहां पर भी क्वेश्चन ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो अगले वीडियो में भी आपको इसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है दो एक्स स्क्वायर माइनस एक बटे आठ, दो एक्स स्क्वायर क्वेश्चन नंबर चार,
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक बटे आठ बराबर जीरो। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, हमें करना क्या इसको तोड़ना है। तुम क्या करें पहले दोनों पक्षों में क्या करें हर बराबर करेंगे इसके, तो आठ से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, तो कितना आठ दूनी कितना हो जाएगा, चाहे लिख लीजिए आठ गुणे आठ, यहां पर आठ गुणे आठ, तो आठ दूनी सोलह, सोलह एक्स स्क्वायर हो गया माइनस आठ एक्स हो गया प्लस का वन, एलसीएम कितना मिल जाएगा तीनों में आठ, तो आठ एलसीएम ने ले लिया बराबर जीरो, ये इसके साथ में जाएगा तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या सोलह स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस वन बराबर कितना हो जाएगा जीरो। तो ये द्विघात समीकरण हमारी हो गई, हमें क्या करना है आठ लाना है, तो सोलह एक का सोलह, तो सोलह के गुणन करेंगे तो कितना दुचक दो अटे सोलह दुचक्को आठ दो दुनी चार, तो एक कम दो, तो कितना आ जाए दो दुनी चार, दो दुनी चार, चार प्लस चार आठ, चार चक्को सोलह, तो आ जाएगा सोलह एक्स स्क्वायर माइनस चार प्लस चार प्लस वन बराबर जीरो, तो आ जाएगा सोलह एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस चार एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो इससे कॉमन क्या मिल जाएगा चार एक्स, तो आ जाएगा चार चक्को सोलह एक्स माइनस वन बचेगा, यहां पर क्या कॉमन लेंगे हम वन कॉमन लेंगे, तो आ जाएगा चार एक्स माइनस वन बराबर कितना हो जाएगा जीरो, तो चार एक्स माइनस वन इधर हो जाएगा चार एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो एक बार इसको बराबर करेंगे चार एक्स माइनस वन बराबर जीरो, चार एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो आ जाएगा चार एक्स बराबर निकल आएगा एक, एक्स बराबर निकलेगा एक बटे चार, और इधर आ जाएगा चार एक्स बराबर आ जाएगा एक, एक्स बराबर आ जाएगा एक बटे चार, तो आता हम मूल कौन कौन से हो जाएंगे, आता मूल एक बटे चार और एक बटे चार होंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन साफ करें, बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लगाएंगे, स्टेप बाय स्टेप करते चले आए आसानी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला लास्ट क्वेश्चन नंबर फाइव सी का दिया हुआ है, लिखा सौ एक्स स्क्वायर, देखिए क्या लिखा हुआ है सौ एक्स स्क्वायर माइनस बीस एक्स और फिर दिया प्लस का वन, फटाफट आप करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला दिया है पांच, सौ एक्स स्क्वायर माइनस बीस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो देखिए अब हमें करना क्या 20 को तोड़ना है, तो 100 एक कम 100, तो 100 के पहले हमें क्या निकालने हैं गुणनखंड, तो गुणनखंड क्या जाए दो पंचे 10 50 हो जाएगा 25 हो जाएगा 25 पांच एक कम 5, तो ये आएगा हमें क्या करना है यहां पर चिन्ह कौन सा लगा है प्लस का, तो हमें जोड़ना है, तो पांच दुनी 10 पांच दुनी 10 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 और 10 और 10 की गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो चलिए देखते हैं सौ एक्स स्क्वायर माइनस दस प्लस दस एक्स प्लस वन इक्वल जीरो, तो हो जाएगा सौ एक्स स्क्वायर माइनस दस एक्स माइनस प्लस माइनस दस एक्स प्लस वन इक्वल कितना हो जाएगा जीरो। अब इसमें से कॉमन क्या मिलेगा इसमें से कॉमन मिल जाएगा दस एक्स कॉमन मिलेगा, तो क्या हो जाएगा दस दाम सौ दस एक्स माइनस वन बचेगा, यहां पर हम कॉमन क्या लेंगे माइनस का वन, तो आ जाएगा दस एक्स माइनस का वन इक्वल कितना हो जाएगा जीरो, दस एक्स माइनस वन और इधर हो जाएगा दस एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो एक बार जीरो के बराबर करेंगे इसको दस एक्स माइनस वन बराबर जीरो, दस एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो आ जाएगा दस एक्स बराबर एक, माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा नीचे बटन में क्या आ जाएगा अगली लाइन में लिखेंगे अच्छा इसको, इधर भी आ जाएगा दस एक्स बराबर कितना हो जाएगा प्लस का एक, तो निकालेंगे x बराबर एक बटे कितना हो जाएगा 10 और इधर एक बटे कितना हो जाएगा x बराबर एक बटे 10, तो लिखेंगे आता समीकरण के मूल कौन कौन से जाएंगे एक बटे 10 कामा एक बटे 10 इस तरीके से होंगे, तो आप आसानी से कर पाएंगे और समझ भी गए होंगे प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों पार्ट थे, पांचों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है।